रायबरेली में मामले कहासुनी में हुआ विवाद, दो पक्षों में हुई लड़ाई। रायबरेली खीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मामले कहासुनी में दो पक्षों में जमकर कहासुनी होने लगे। कहासुनी होते होते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और दोनों पक्ष में मारपीट के दौरान सुनील ने अपनी पत्नी ज्योति के साथ खीरो थाने में तहरीर दी। लेकिन इससे पहले शिकायतकर्ता ने सिमरी चौकी पर भी तहरीर दर्ज कराई थी, लेकिन सिमरी चौकी से कोई अधिकारी व कर्मचारी नहीं पहुंचा। शिकायतकर्ता सुनील ने यह इल्जाम लगाया कि अगर सिमरी चौकी से कोई जाता है तो हमारे घर पर जो भी हमला हुआ है वह शायद ना होने की संभावना थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के हिसाब से मुकदमा पंजीकृत करने के बाद कार्यवाही कर ली है। कार्यवाही करने के लिए बोली है और यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कार्यवाही होगी या नहीं। अंशु श्रीवास्तव, तो जिला क्राइम ब्यूरो, चीफ रायबरेली। क्या बता दूं? तो आपके साथ क्या मामला हुआ था? हमारे साथ मारपीट हुई, हम वहाँ अपनी बकरी, बारिश हो रही थी तो बकरी बांध दें, बस वहीं सब लोग गिरा के हमको मारने लगे। कौन कौन गिरा के मारने लगा? देवर हमारा, हमारे बहने मारा है और हमारी नंद मारे, हमारे सास मारे, चिल्लाने लगे तो ये गए पीछे से, उनको भी मार दिया। ये हमारी लड़की गई, उनको भी मारने लगे। अच्छा, देवर का क्या नाम है? जिन जिन ने मारा है उनका नाम बताएं। जो वो सुशील बस, और किसने मारा? देवा और सुनीता, विनीता और श्याम। अच्छा, किस कारण मारा? आपका विवाद क्या है दोनों का? बस घर छोड़ दो। अच्छा, घर छोड़ दो, घर में रहने नहीं देंगे।